चीज़ों के मामले में ज़रा बहादुर हूँ और मैं अपने दिमाग को ना, हालांकि हॉरर फिल्म्स देखूँ तो फिर 3 दिन लाइट ऑन करके सोती हूँ, लेकिन क्या है कि स्टिल मैं कहती हूँ कि नहीं, हमसे ज़्यादा इस दुनिया में ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, हमसे ज़्यादा बड़ी तादाद. बिल्कुल. और मोस्टली मेरे घर में तो शुरू से एक ये उसूल था कि शाम मगरिब के बाद आप तस्करा ना करें, जिक्र ना करें इन चीज़ों का, बिकॉज यू देन स्टार्ट अट्रैक्टिंग देम टुवर्ड्स यू. ठीक है. अच्छा, अब हमारा लाहौर में भी बहुत बड़ा घर था जो कि अक्सर खाली भी बहुत लंबे लंबे अरसे के लिए रहता था, क्योंकि कभी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कभी इंग्लैंड इन अ स्ट्रेच पूरे पूरे साल के लिए, बिकॉज माई फादर वॉज अंडर गोइंग हिज कैंसर ट्रीटमेंट, तो रहना पड़ता था फॉलो अप चेकअप्स के लिए. तो खाली जगह पर वैसे ही आ जाते हैं. अच्छा, अच्छी चीज़ क्या थी हमारे उस घर में, अगर कोई ऐसी बात थी भी तो उन्हें शायद हमसे उनसियत थी कि उन्होंने कभी तंग नहीं किया. मीन्स कि कभी कभी ऐसा होता है. हाँ. और लाहौर में स्पेशली मॉडल टाउन का जो एरिया है, क्योंकि एक ज़माने में वहाँ पे शमशान घाट भी बहुत होते जी, थे. जी बिल्कुल. प्री पार्टीशन है वो, उसकी सारी उल्लू बोला करते थे वहाँ पे. हाँ, बिल्कुल. हाँ, बहुत कुछ. तो वो एफ ब्लॉक की साइड जनरली इट हैज़ अ वेरी हैवी एनर्जी. जी जी. बट मुझे लगता है एफ ब्लॉक, एच ब्लॉक, जी ब्लॉक, एग्जैक्टली कुछ कुछ बाकी कुछ घर ऐसे हैं. बिल्कुल. हाँ. तो लेकिन क्या है कि प्रॉब्लम्स शायद लोगों को ज़रूर होती हैं. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में कोई ऐसी ख़तरनाक चीज़ नहीं. खुशबू आ जाना एकदम से, या कोई चीज़ ऐसी महसूस दीवार पर होना, हल्का सा कुछ अक्स नज़र आ जाना, वो दैट प्रेजेंस वॉज देयर. मगर कभी भी उन चीज़ों ने तंग नहीं किया. और सबसे बड़ी बात यह कि अल्लाह ताला ने हमें वैसे भी चंद आयात की सूरत अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक ऐसी चीज़ दे दी है. वैसे तू तो पूरा कुरान ही भरा पड़ा है बेशुमार ऐसी आयात से, बट चंद ऐसी हैं जो हमारी प्रोटेक्शन के लिए, जो विच बिल्ट अ लेयर अराउंड अस. तो उससे क्या है कि वो बैरियर जब आप खुद ही कायम करते हो सुबह शाम अल्लाह को याद करके, तो कैसे वो हमें नहीं बचाएगा. इसी तरह मरी में एक दफ़ा एक चीज़ हुई, मैं शूट. अच्छा वैसे मैंने बहुत लोगों को देखा है. हाँ. और नॉर्दर्न एरियाज में अक्सर लोग अपने घर से भी लोग. हाँ. क्योंकि कहते हैं सबसे ज़्यादा, जैसे शहाब नामे में भी लिखा गया कि सबसे ज़्यादा जो जन्नत है वो पहाड़ों में. हाँ, ऐसी, क्योंकि अब जाहिर है शहरों में तो हमने बसेरे कर लिए. हाँ. तो उनको जंगलात में ही रहना पड़ता है. मगर क्या हुआ, इसकी तो एक दो मेरे को स्टार्स भी गवाह हैं, स्पेशली सबिया हाशमी आपा, वो भी क्योंकि साथ में. अब वो रमज़ान का हालांकि महीना, और जब मैं हैरान हूँ रमज़ान में नॉर्मली ऐसी चीज़ें आप नहीं देखते हो, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, मैंने ना बड़ी मज़े से एक ऐप डाउनलोड कर ली विच वॉज गोस्ट डिटेक्टर. मैंने कहा जहाँ भी एनर्जी ज़्यादा होगी ना वो मुझे डिटेक्ट करता हुआ ले जाएगा. अच्छा, मैंने देखी है गोस्ट डिटेक्टर. हाँ. कुछ जैसे आप रील्स में देख रहे होते हो, कर 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 आवाज़ आ रही है, रेड लाइट बीप कर रही है. लेकिन सूची क्या है ना कि एकदम चंद का, मैं वैसे क्यूरियोसिटी थी क्योंकि वहाँ पे ज़ाहिर चंद एक दो होटल सुना होगा आपने. हाँ, सुनने में के अलावा भी जो होटल्स हैं क्योंकि 150 साल पुराने जी लॉकवुड है, आवाज़ें आने शुरू हो जाती हैं कुछ में से. तो आप परेशान हो मेरे दोस्त के साथ. तो ये हुआ, वो रात को सो रहा था, कोई पिन ड्रॉप साइलेंस, हवा भी तेज नहीं. हाँ. चली, उसके दरवाजे पर जोर से किसी ने पत्थर मारा और कोई आगे पीछे नहीं था. उसने कहा मैं तो कम्बल लपेट कर वहीं सो गया कि बेटा सो, उठ के देखना भी नहीं कि कौन है. जोर का पत्थर किसी ने उसके दरवाजे तो पर. फिर आपने कहा मैं घोस्ट डिटेक्टर जो ये डाउनलोड कर नहीं, वो एक अलग शूट का किस्सा था ये. हाँ. इस वाली में क्या हुआ, अच्छा मैं करे जा रही और मैं कोई असर के टाइम ये सब चीज़ें कर रही, मुझे मना कर रही सभी हाशमी जी के मत करो मत करो, हाय मुझे डर लग रहा है, मैं तुम्हारे साथ ही खड़ी हो रही. अच्छा, शाम होती है, हम बाल खोल के परफ्यूम लगा के ना दरख्तों में ऐसे ही फिर रहे हैं और लॉकवुड होटल की बात है. कुछ देर बाद मतलब जो चीज़ें मना की हुई हैं. हाँ. तो हिना ने कहा मैं वही टेस्ट करती हूं. मैंने कहा मैं मतलब खुद इतना बड़ा जिन्हूँ मुझे क्या नाउजुबिल्ला कह बड़ा बोल नहीं बोलना, मैंने कहा क्या इन्होंने मुझे कह देना. बहुत ज़्यादा ही कुछ बहादुर बन रही थी ना. अच्छा, उसके बाद वैसे मुझे कुछ नज़र आना या डर लगना नहीं शुरू. अच्छा, था भी मेरा कॉर्नर वाला रूम, तो मेरी कुछ इशा के बाद ना एकदम से हार्ट बीट तेज़ होना शुरू. अच्छा, मैं ज़ाहिर को स्टार्स हम लोग अक्सर शूट के बाद जाके कॉफ़ी पीना, खाना खाना मॉल रोड वाइट, वो बेचारे सब मेरे साथ मॉल रोड भी गए, मैंने कॉफ़ी भी पी ली, मैं जो जो उस वक्त कर सकती थी पानी. मैंने कहा ये मेरी हार्ट बीट तेज़ क्यों हुई. वही हुआ कि मेरे कज़न है वो हाफिज़ कुरान है, मुझे उनको भाई को फ़ोन करना पड़ा. मैंने कहा भाई जान मेरे साथ ये, उनका बेटा तुम्हें जब पता है कि आपने नहीं जाना ऐसी चीज़ों में या कुछ, क्यों जा रही. मैंने कहा मुझे क्या मालूम था कि यहाँ पे ऐसा कुछ. उनका नहीं, क्या कहीं नहीं हो सकते क्या. तुमसे ज़्यादा किसको पता होगा. फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुम जो है ना तीन चारों कुल पढ़ो, आयतुल कुर्सी 3-3 दफ़ा पढ़ के थूको और कोशिश करो कि आज तुम वो जो आपाए तुम्हारी उनके साथ बैठ जाओ या कोई अकेली ना रहना आज, मतलब आज का दिन गुजार लो और ये आयात पढ़ के पानी पे दम करके
पी लो तीन सांस में अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह करीम। वही हुआ, फिर मैंने ज़रा सूरह मुज़म्मिल और ये सारी सूरतें जो हैं वो पढ़ी बैठ के, और उसके बाद आई स्टार्टेड फीलिंग बेटर। तो वो क्या था कि उस वक्त के लिए ना वो उनकी एनर्जी आपको तंग करना शुरू हो जाती है, कुछ ना कुछ ज़रूर हो। हाँ, तो इसलिए फिर देन आई रियलाइज कि नहीं यार, इट्स बेटर टू अवॉइड सच टॉपिक्स। ना आप शाम में डिस्कस करें, ना आप मजाक में ऐसी कोई चीज़ करें। किस वक्त कहाँ से गुजर हो रहा हो, आपको आपकी तरफ वो मतवज्जो हो जाए। आपका जो पहला ऐसा जो वाक्य जो आपको बचपन से याद हो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी हमारी चीज़ें बचपन की मेमोरीज में, हम कुछ लोगों को देखते हैं खौफ खाते हैं, कुछ जगहों में जाते हुए खौफ खाते हैं, क्योंकि पहले जो पुराने घर जो पार्टीशन के टाइम के थे उसमें मैं देखी कि जो वॉशरूम थे वो घरों के अंदर नहीं थे, वो बरामदे में वॉशरूम बने हुए थे, वो ऑफकोर्स जो बनाए से गए थे। तो उस जगह पर वाकई उन जगहों पर जाते हुए ना थोड़ा खौफ आता था, बिल्कुल। आई डोंट नो, मैंने भी अपनी नानों के घर फील किया कि जो बाथरूम जाते हुए और जो स्टेयरकेस था वहाँ से थोड़ा बच्चों को बच्चे संभाव एनर्जी पहचान लेते हैं, बिल्कुल। आपके साथ बच्चों की इंट्यूशंस वैसे भी तेज़ होती हैं। आपके साथ जो पहला ऐसा जो कि वाकया हो वो क्या था? ऐसा सच अगर बचपन का आप पूछती हैं ना, तो बचपन का मुझे कोई ऐसा वाक्या याद नहीं कि मेरे साथ बचपन में कोई ऐसी चीज़ हुई हो। लेकिन जो पहला आपका, लेकिन पहला वाक्या जो है, क्योंकि हमारे घरों में ना, मेरे घर में, मेरे फादर के घर में, मतलब इन चीज़ों पे बिल्कुल बिलीव नहीं किया जाता था। हालांकि कुरान पढ़ते थे, नमाज़ पढ़ते थे, सब कुछ, लेकिन जिन जिन्नात की बातें मेरे अब्बू तो हंस के टाल देते थे, अरे 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 बेटा कुछ नहीं होता। मतलब वो शायद हमें स्ट्रांग बनाना चाहते थे, या चाहते थे कि भई हम इन चीज़ों पे बिलीव करके कहीं ऑर्थोडॉक्स ना हो जाएं, या हमारे साइकोलॉजिकली हमारे ऊपर कोई वो ना आ जाए, अरे अरे बेटा कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही होता है। हालांकि वो कुरान पढ़ते थे खुद और हर चीज़ पे बिलीव करते थे, अल्लाह वाले थे बड़े, तो वैसे बुज़ुर्ग नहीं थे लेकिन अंदर से वलीउल्लाह थे। तो जब मेरी शादी हुई तो मैं शादी करके जिस घर में गई, तो मेरे जो ससुर थे, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए, वो बड़े तहज्जुद गुजार, परहेजगार, वो भी बज़ाहिर मौलाना नहीं थे लेकिन अंदर से वो तहज्जुद पढ़ना, पढ़ाई करना, बुज़ुर्गी बहुत ज़्यादा उनके अंदर थी, तहज्जुद पढ़ते थे रातों को। और मेरे ससुराल में जन्नात का बहुत तस्करा होता था कि भाई जब भाई ये लोग बैठते थे तो मतलब मेरे ससुर और उनके भाई और मेरे हस्बैंड के चाचा वगैरह, तो जिन्नों की बातें, ओ हाँ जी वो पंजाबी थे, हाँ जी मैं भी देखा सी, मनु भी आया सी नज़र, ये वो। तो मैं बड़ी परेशान होती थी कि मैं किस बिल्कुल एक एक्सट्रीम डिफरेंट माहौल में आ गई हूँ। मैं घर भी जाके जिक्र करती थी कि अब जी लोग तो इस तरह की बातें हर वक्त करते रहते हैं, जिन तो फिर कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, होते हैं कुछ लोग इस तरह के। तो मेरे ससुर कहते थे हाँ होते हैं जिन, मैं कहती अब्बा जी बताएं ना आप जो बताते, कहते हैं कि मैं तो काबू किए हुए हैं। मेरे ससुर जो थे वो पढ़ते पढ़ाते थे और उन्होंने शायद वाकई जिन्नात को काबू किया हुआ था, लेकिन वो बोलते नहीं थे, कहते थे हाँ मैं, मेरे को आंदे ने, मेरे पास आते हैं रात को, आते हैं अलग अलग शक्लों में, आते हैं कभी इंसान की शक्ल में आते हैं, कभी भेड़िए की शक्ल में आते हैं, फिर मैं पढ़ाई करता हूँ, पढ़ के उनको फूंकता हूँ तो वो फिर चले जाते हैं। अच्छा, मैं बिलीव नहीं करती थी क्योंकि मैं जब शादी की कर गई तो PCHS में उस वक्त वो इलाका गर्ल्स कॉलेज के पास, कयाम सिनेमा के पास, तो वो कहते थे, मेरी 89 में शादी हुई और उस वक्त वो कहते थे कि वो घर जो है 50 साल पहले उन्होंने बनाया था,